शिफा सलमान स्किन सोल्यूशन मैं अभी क्या कर रही थी मैं आप लोगों के क्वेश्चन देख रही थी फेसबुक पे और आज का जो टॉपिक है वो भी उससे रिलेटेड है एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और इतने ढेरों ढेर क्वेश्चंस आप लोगों की तरफ से जिस टॉपिक पे आते हैं आज हम उसी पे बात करेंगे और वो टॉपिक क्या है वो टॉपिक ये है कि आप मेरे से ये पूछते हैं कि मैं अपनी स्किन पे क्या इस्तेमाल कर सकती हूँ या मैं अपनी स्किन पे क्या इस्तेमाल करूँ मेरी स्किन पे ये हुआ हुआ है या मेरी स्किन इस तरह की है या मेरी स्किन पर ये चीज़ है तो मैं क्या करूँ अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब तक हम स्किन को देख नहीं लेते तो हम में और आप में कोई फ़र्क नहीं है आखिर आप अपनी स्किन के ऊपर डेली कोई ना कोई चीज़ या अगर कोई इशू है जो कि आप फेस कर रहे हैं आप उसके लिए कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं आप में और हम में क्या फर्क है ये फर्क है कि हम आपकी स्किन को एग्जामिन करके जो उसके लिए मोस्ट सुटेबल रूटीन होगी या रिजीम होगी वो आपको देंगे लेकिन जब मैंने आपकी स्किन देखी ही नहीं हुई है तो मैं आपको कैसे बता दूं कि आपकी स्किन पे ये चीज़ ठीक रहेगी या नहीं रहेगी हाँ हम इन जनरल ज़रूर बता सकते हैं कि आपको मौसम के हिसाब से कौन कौन सी चीज़ जो है वो चेंज कर लेनी चाहिए और आपकी नॉर्मल रूटीन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जैसे मैं आपको ये कह सकती हूँ कि हाँ आपकी रूटीन ऐसी है या आजकल ऐसा मौसम है तो आपको इसमें टोनर यूज़ करना चाहिए फिर मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आपको किस किस्म का क्लेंज़र जो है वो यूज़ कर लेना चाहिए या चेंज कर लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू वेदर या फिर ये कि जो सन ब्लॉक्स हैं या जो मॉइस्चराइजर हैं वो कैसे यूज़ करें या जो नाइट क्रीम्स हैं वो आप कैसे यूज़ करें अगर आप एज आपकी जो है वो इस यहाँ से लेके यहाँ तक है या इस किस्म की कोई भी चीज़ जो इन जनरल होती है वो हम आपको बता सकते हैं लेकिन हम में और आप में एक एक्सपर्ट में और एक आप में क्या फर्क है यही फर्क है कि जब तक हम आपकी स्किन को देखेंगे नहीं और आपकी स्किन को इंडिविजुअल होती है ना स्किन हर किसी की अपनी स्किन है अपने बाल हैं और जब तक हम उसको देख के उसके लिए सूटेबल चीज नहीं देंगे तो वो इफेक्टिव नहीं हो सकती है तो ये बहुत कॉमन एक क्वेश्चन आता है कि मैं अपनी स्किन के लिए ये इस्तेमाल कर लूँ या मैं अपनी स्किन पर यह लगा लिया करूँ या मुझे फेयरनेस चाहिए तो मैं अपनी स्किन पे ये कर लूँ या ये वाली क्रीम लगा लूँ आपने ये क्रीम बताई थी वीडियो में या टीवी पे तो उससे करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा इसलिए नहीं हो सकेगा या नुकसान होने का डर भी हो सकता है क्योंकि आपकी स्किन इंडिविजुअल स्किन है इट्स नॉट नेसेसरी कि इन जनरल आपको अगर एक रिजीम या एक रूटीन बताई जा रही है तो वो आपके लिए है ठीक है या उसके लिए कौन कौन सी चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए उनमें से कौन सी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं इसलिए यह ज्यादा बेहतर होता है कि आप इंडिविजुअली अपनी स्किन को एग्जामिन करवा लें और अपने लिए जो रूटीन की चीजें हैं वो लिखवा लें स्काइप कॉन्सल्टे अवेलेबल है आप मेरे पास आना चाहते हैं तो लाहौर में भी अवेलेबिलिटी है इस्लामाबाद में भी अवेलेबिलिटी है आप मुझे दिखा सकते हैं अगर आप नहीं आ पाते हैं तो स्काइप कॉन्सल्टे अवेलेबल है ऑल थ्रू आउट दी वर्ल्ड हम स्काइप कॉन्सल्टेसन देते हैं उसके अलावा ऑल थ्रू आउट दी पाकिस्तान तो देते ही देते हैं और उसमें कोई इतना टाइम डिफरेंस भी नहीं होता तो आप आसानी से उसको ले सकते हैं और अपने लिए सूटेबल प्रोडक्ट्स जो हैं वो समझ सकते हैं एक और चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है यूज़ करना सब स्टैंडर्ड वाइटनिंग क्रीम्स को इतना कॉमन है और आदमी औरतें लड़के लड़कियां हर तीसरा बंदा उनको इस्तेमाल करके आता है प्लीज़ कोई भी सब स्टैंडर्ड चीज़ आपकी स्किन के लिए एक स्टैंडर्ड या आपके आपकी स्किन को ब्यूटिफाई नहीं कर सकती है आपकी स्किन को अच्छा नहीं कर सकती है आपकी स्किन को हेल्दी नहीं रख सकती क्योंकि वो सब स्टैंडर्ड है इसका ये मतलब होता है कि उनकी जो भी नुकसान हैं उनको इस्तेमाल करने के बाद जो आपकी स्किन पे होंगे वो परमानेंट हैं वो रिवर्स नहीं हो सकते आपकी स्किन एक दफ़ा पतली हो गई तो वो रिवर्स होके सही नहीं हो जाएगी कि अच्छा ठीक है भाई अब आप आपने लगानी छोड़ दी है तो अब आपकी स्किन जो है वो ठीक हो जाएगी वो नहीं हो सकती है इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि सब स्टैंडर्ड वाइटनिंग क्रीम्स जो हैं उनको इस्तेमाल ना करें अपनी स्किन के हिसाब से एक अच्छी क्रीम लिखवा लीजिए जिसको आप लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं दो साल के बाद तीन साल के बाद आप उसको चेंज करवा सकते हैं इतनी जल्दी चेंज करने की भी जरूरत नहीं होती है बिकॉज ये कोई एंटी एज क्रीम नहीं है कि आपकी उम्र बढ़ती जा रही है तो उसको चेंज करेंगे इट्स जस्ट ए फेयरनेस और आ, क्या कहते हैं वाइटनिंग क्रीम ठीक है इसलिए गलत चीज़ ना लगाएं जिससे आप नुकसान उठाएं आपको फेयरनेस चाहिए म टू आस हम आपको आपकी स्किन के सुटेबल जो है वो एक क्रीम दे, दे देंगे जो आप सालों इस्तेमाल कर लें कोई नुकसान नहीं है आप जरूर इस्तेमाल करें ठीक है आई थिंक सो कि मैंने एक कॉमन इशू जो कि बार बार एक कॉमन क्वेश्चन जो कि बार बार हमारे पास आता है और एक बहुत बड़ा इशू जो कि बहुत कॉमन है सब स्टैंडर्ड व्हाइटनिंग क्रीम्स को इस्तेमाल करना फेयरनेस के लिए दोनों के ऊपर बात की है होपफुली आपने अंडरस्टैंड किया होगा और आपको समझ में आई होगी कि आपकी स्किन आपका एसेट है उस पर कोई गलत चीज़ लगा के और फिर परमानेंट नुकसान लेना कोई अच्छी बात नहीं है और दूसरी चीज़ जब तक आपकी स्किन को हमने देखा नहीं है आपकी स्किन को एग्जामिन नहीं किया गया समझा ही नहीं गया तो हम आपको टेलर मेड सुटेबल चीज़ कैसे बता दें देखे बगैर तो आई थिंक सो आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि आप बहुत बहुत आसानी से हमारे से बात कर सकते हैं या हमें दिखा सकते हैं और अपने लिए मोस्ट सुटेबल चीज जो है वो लिखवा सकते हैं